मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अगर लॉ जिहाद बढ़ेगा तो हिंदू जिहाद लाना पड़ेगा, हिंदू संगठन के मुखिया का विवादात्मक बयान। शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर हिंदू संगठनों की ओर से अथनी में विशाल प्रदर्शन करते हुए हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए तहसीलदार दुंडप्पा कुमार को निवेदन पत्र में राज्य सरकार से अपील की कि हर्षा के हत्याकांड में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सरकार को हर हाल में हिंदू युवाओं की सुरक्षा करनी होगी। आरएसएस नेता अरविंद राव देशपांडे ने कहा कि अगर लॉ जिहाद बढ़ रहा है तो हमें ऐसी स्थिति में ना आने दे के जहां एक दिन हिंदू जिहाद लाना पड़े। हर्षा की मौत के बाद विधायकों की ओर से लाखों की मदद। शिमोगा बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद पूरे शिमोगा में तनाव का माहौल छा गया है। हर्षा के माता पिता बेटे के इस खोने से सदमे की हालत में हैं, मगर हर्षा के मौत के बाद इनके घर पर नेताओं की कतार लगी है। कल बीजापुर MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपनी संस्था सिद्ध श्री से 5 लाख का चेक तो ईश्वरप्पा की ओर से 5 लाख और दावनगेरे वनल्ली के MLA रेणुकाचार्य की ओर से 5 लाख तो वहीं जिला BJP घटक से 1 लाख की मदद की गई हर्षा के परिवार को। तो वहीं इस बात को लेकर मुतालिक ने बेतुका बयान देते हुए हिजाब वाली मुस्कान का नाम लेकर कहा कि मुस्कान से ज़्यादा पैसा अब हर्षा के माँ बाप के पास है। नेताओं का काम तो आग लगाना है, बस इस आग में आप ना जले, यही हमारा कहना है। यूक्रेन में बेलगाम जिले के छात्राओं की पुकार। यूक्रेन में रूस के हमलों से सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसी दरमियान ये खबर आई कि यूक्रेन के कार्क्यू नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेलगाम के 8 छात्राएं प्रिया 26, प्रीति 26, श्रिया हेरकल, अमागा चौगला, प्रिया निर्गुंदी, रक्षित माने, आफरीन मदारसा यूक्रेन के हॉस्टल और बंकर की हिफाजत में फंसी हुई हैं और बेलगाम जिला प्रशासन ने छात्राओं के परिवार से संपर्क जोड़े हुए हैं। बेलगाम के DC फिलहाल 2 छात्राओं के पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं। बाकी छात्राओं की मालूमात हासिल करने के लिए भी जिला प्रशासन जुटा हुआ है। छात्राएं डर व खौफ के माहौल में डरी और सहमी हुई हैं। अपने बच्चों की हालत देखकर पेरेंट्स परेशान। जिला इंतजामिया बच्चों को सुरक्षित भारत लाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहा है। नवी क्लास की बच्ची ने लिखा CM को पत्र। चामराजनगर जिला गुंडलूपेट तालुका के अनुखेरी के स्कूल में 132 छात्राएं पढ़ती हैं, जिनके लिए सिर्फ 2 शौचालय बनाए गए हैं, जबकि इस स्कूल को क्षेत्र के MLA निरंजन ने अडॉप्ट किया है, मगर फिर भी यहां पर बच्चियों को शर्मिंदगी के साथ रोज़ाना यहां वक्त गुजारना पड़ता है। मेरे पास 25 रुपये हैं, मैं आपको दूंगी, हमारे लिए शौचालय बनाए CM जी, इस बच्ची ने इस तरह से लिखा है पत्र राज्य के CM को कि हमें भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्वाभिमान और गर्व से जीने का अधिकार दिया जाए, कहा नवीं क्लास की छात्रा ने। ये बड़े शर्म की बात है, क्या इस बच्ची की गुहार को सुनेंगे CM? यूक्रेन में फंसे कर्नाटकियों के लिए हेल्पलाइन नंबर और नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति। यूक्रेन और रूस की लड़ाई बमबारी के चलते दुनिया भर में बेचैनी का माहौल है। अब रूस ने हवाई हमले करके यूक्रेन के खिलाफ जंग भी छेड़ दिया। इसके नतीजे में यूक्रेन में मौजूद कर्नाटका वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के खातिर सरकार ने इनके सुरक्षा के लिए नोडल ऑफिसर्स को नियुक्त किया है। ये नोडल ऑफिसर फॉरेन मिनिस्टर और यूक्रेन के इंडियन एम्बेसी के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि राज्य के फंसे हुए नागरिकों को भारत वापस लाया जा सके। CM का ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर और भारतीय एम्बेसी के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार ने राज्य की जनता के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 0801070, 0802234, 0676।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।